का चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और इस समय हम अभिव्यक्ति और माध्यम नाम की जो पुस्तक है उसके सृजनात्मक लेखन वाले हिस्से में कविता का लेखन कैसे करते हैं या कविता क्या है उसके मर्म को यहाँ समझेंगे। तो इसे हमने प्रश्नोत्तर शैली में तैयार किया है और अब हम शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न, पहला है कविता के मूल में कौन से तत्व होते हैं? तो उत्तर है कि कविता के मूल में संवेदना और राग तत्व होते हैं। मूल से मतलब है कि उसके केंद्र में उसके प्रधान तत्व कौन से हैं। तो संवेदना और राग तत्व ये दो हैं जो कविता का मुख्य आधार हैं। अब दूसरा इसी में से हम देखते हैं कि संवेदना क्या है। तो उत्तर है कि संवेदना संपूर्ण संसार से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध है। संसार के साथ हमारा संपर्क बन जाए और संसार को हम अपने साथ जोड़ सकें, यही संवेदना का तत्व कहलाता है। और अब हम तीसरा प्रश्न लेते हैं, बिंब किसे कहते हैं? जब कविता में कोई दृश्य या चित्र कवि अपने शब्दों से रच देता है तो हम उसे बिंब कहते हैं। उदाहरण के लिए हम एक कविता से कुछ पंक्तियां ले सकते हैं कि जब अब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या दो रोटी के लिए तो जान लेता हूं मेरे सामने एक ईमानदार आदमी औरत या बच्चा खड़ा है। अब इस पंक्ति को पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक दृश्य बनता है कि कोई हाथ फैला करके दीनता के साथ आपके सामने मौजूद है और आपसे कहता है कि मुझे एक चाय पिला दीजिए या मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तो जब कविता की पंक्तियों से कोई दृश्य बने, चित्र बने, तो हम उसे कविता की भाषा में बिंब कहते हैं। और अब हम चौथा प्रश्न लेते हैं, कविता में मानवीकरण किसे कहते हैं? उत्तर है, प्राकृतिक चित्रण को सजीव रूप से प्रस्तुत करना ही मानवीकरण कहलाता है। या प्रकृति को जब मनुष्य की तरह प्रस्तुत करते हैं तो वह मानवीकरण कहलाता है। मानवीकरण मनुष्य बना देना, प्रकृति की जो ऐसी वस्तुएं हैं, चीजें हैं जो मनुष्य नहीं है, मनुष्य से भिन्न है, परंतु हम उनसे ऐसे क्रियाकलाप करते हुए प्रदर्शित करते हैं जैसा कि मनुष्य करता है। इसके लिए भी एक उदाहरण देखते हैं, छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। अब इन पंक्तियों में देखिए, छल छल थे संध्या के श्रम कण, संध्या शाम, उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। अब पसीने की बूंदें तो मनुष्य के माथे पर आती हैं, पर यहां कवि ने संध्या के माथे पर, शाम के माथे पर इसका प्रतिरोपण किया है, तो ये मानवीकरण है। आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, और वो जो पसीने की बूंदे हैं आंसू बनकर गिर रहे हैं। इसी तरह नीरवता अनंत अंगड़ाई, नीरवता अंगड़ाई ले रही है, अंगड़ाई लेना मनुष्य का काम है, लेकिन जो वहां पर सन्नाटा छाया है वह मानो अंगड़ाई ले रहा है, ऐसा कवि कहता है। तो ये मानवीकरण के उदाहरण है। यह बहुत पुरानी एक बच्चों की कविता है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से सीखो नित अपना शीश झुकाना। तो ये जो है कि फूलों से हम गाना सीखें, वो गुनगुन कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, भौरे गीत गाते हैं, फूल मुस्कुराते हैं, ये जो है मानवीकरण की क्रिया है। अब आते हैं प्रश्न पांचवा, कविता में शैली किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, कविता में वाक्य गठन की जिस विशिष्ट प्रणाली को कवि अपनाता है उसे शैली कहते हैं। छठवां प्रश्न है, शब्दों
का खेल, परिवेश के अनुसार शब्द चयन, लय, तुक, वाक्य संरचना, यति गति बिंब, संक्षिप्तता के साथ साथ विभिन्न अर्थ स्तर आदि से कविता बनती है। दी गई कविता में इसकी पहचान कर अपने शब्दों में लिखो। कविता में जो जो तत्व होते हैं, यहां पर एक कविता दी जा रही है और कहा जा रहा है कि पहचानिए कि वो तत्व कहां पर है। तो पहले हम देखते हैं कि वो कविता कौन सी है, कैसी है। तो वह कविता है एक जनता का दुख एक, हवा में उड़ती पताकाएं अनेक, दैन्य दानव क्रूर स्थिति, कंगाल बुद्धि मजूर घर भर, एक जनता का अमर भर, एकता का स्वर अन्यथा स्वातंत्र इति। ये कविता है शमशेर बहादुर सिंह की, कविता यहां दी गई है। अब हमें इसमें खोजना है, क्या खोजना है। तो पहला है शब्दों का खेल। कवि ने अपनी कविता में शब्दों को किस तरह से खेला है, उनके साथ खेल किया है। तो हम देखते हैं उदाहरण में, एक जनता का दुख एक, हवा में उड़ती पताकाएं अनेक। अब इसमें जो है वो एक से शुरू किया और फिर उसे जनता का दुख एक कह करके समाप्त किया। तो ये एक से आरंभ हुआ, एक से समाप्त हुआ। इस तरह एक शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है, जबकि एक बार से भी काम चल सकता था, पर कविता में विशिष्टता पैदा करने के लिए कवि ने ऐसा किया और इस तरह शब्दों के खेल से कविता में एक नव्यता, एक चमत्कार प्रस्तुत किया। अब दूसरा है परिवेश के आधार पर शब्द चयन। कंगाल बुद्धि मजूर घर भर, यहां पर मजदूर के स्थान पर मजूर शब्द परिवेश के अनुसार चुना गया है। हम सब लोग मजदूर शब्द से परिचित हैं, लेकिन मजदूर को भी तोड़ करके और संक्षिप्त कर लिया गया है मजदूरों के द्वारा ही। वो आपस में अपने को मजूर कहते हैं। कवि ने उसी शब्द का प्रयोग करके उस परिवेश को अपने शब्दों में ढालने की कोशिश की है। अब हम आते हैं तीसरी बात, लय हमको खोजनी है। लय मतलब इसके अंदर जो राग तत्व है वह हमें से कहां पर है। एक जनता का दुख एक, हवा में उड़ती पताकाएं अनेक। अब ये जो दोनों पंक्तियों को हम पढ़ने में एक प्रवाह महसूस करते हैं, एक बहता हुआ तरलता का एहसास होता है, वही इसकी लय है। चौथा है तुक। दैन्य दानव क्रूर स्थिति, कंगाल बुद्धि मजूर घर भर, एक जनता का अमरवर, एकता का स्वर। तुक कहते हैं जब कविता की पंक्ति के आखिरी में जो शब्द आ रहा है उसके बाद वाली पंक्ति में उससे मिलते जुलते उच्चारण वाला दूसरा शब्द मेल खाए तो वह तुक कहलाता है। जैसे यहां दूसरी पंक्ति में आया है मजूर घर भर, आखिरी में भर आया, और इसकी चौथी पंक्ति में एकता का स्वर, तो भर और स्वर ये एक दूसरे के उच्चारण से मेल खाते हैं, इसलिए इसे तुक कहेंगे। पांचवा है वाक्य संरचना। कैसे की गई है, कोई विशिष्ट तरीके से की गई है। तो इस छोटी सी कविता की वही पंक्ति हम दोबारा देखते हैं, एक जनता का अमर वर, बीच में डैश है, एकता का स्वर। यहां पर जो है ऐसी वाक्य संरचना की गई है, ऐसा वाक्य गठन किया गया है जो कविता में विशेषता प्रकट करता है। एक जनता का अमर वर, जनता के पास एक अमर वरदान है जो किसी और के पास नहीं है, और वो है उसकी एकता की भावना। अगर वो एक हो जाए, जुट जाए, आपस में मिल जाए, संगठन बना ले, तो उसकी ताकत उसके शोषण के खिलाफ काम आएगी। अब छठवा यति और गति शब्द को हमको खोजना है। तो कविता में जहां पर हम पढ़ते पढ़ते थोड़ा विश्राम लेते हैं, जहां कौमा अल्प विराम आदि आता है और पूर्ण विराम आता है, वही
कविता की यति और गति कहलाते हैं। तो हम इस कविता में उसे देखते हैं कहाँ है, दैन्य दानव, फिर संबोधन सूचक चिन्ह है तो हम यहां थोड़ा रुकेंगे। दैन्य दानव क्रूर स्थिति कंगाल बुद्धि, अब अल्प विराम आ गया फिर रुकेंगे, कंगाल बुद्धि मजूर घर भर, पंक्ति पूरी हुई फिर थोड़ा रुकेंगे। एक जनता का डैश लगा है अमर बर, इसे भी हम थोड़ा तोड़कर पढ़ेंगे, एक जनता का अमर वर, कौमा है रुके, फिर आखिरी पंक्ति एकता का स्वर। तो जहां हम रुकते हैं, जहां हम विश्राम लेते हैं, वह यति गति कहलाता है। अब जो है वो इसके बाद यहां पर जो सातवां है वो है बिंब। अब हमें बिंब खोजना है। तो दैन्य दानव क्रूर स्थिति कंगाल बुद्धि मजूर घर भर, एक जनता का अमर वर, एकता का स्वर। इन इस पद में, इन चार पंक्तियों में एक दृश्य है। दृश्य क्या है कि जो मजदूर है वो दीनता के दानव के चंगुल में है, गरीबी में है, ऐसी विकट कठोर स्थिति उनके सामने है। कंगाल बुद्धि, वो उनके अंदर जो है बुद्धि और विवेक जो है वो बहुत कम है, क्योंकि वो अपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए उन्हें श्रम वाला काम करना पड़ता है। मजूर घर भर, घर के सारे लोग मजदूर हैं, छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको काम पर जाना ही पड़ता है, तब मिलजुल करके घर चला पाते हैं। एक जनता का अमरवर, एकता का स्वर, ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा वरदान जो दिया है वह है प्रकृति का दिया हुआ वरदान, कि उनमें एकता की भावना आ जाए तो वो संगठित होकर अपने लिए कुछ कर सकते हैं। तो एक बिंब बनता है मजदूरों का, उनके घर का, उनकी दीनता का, उनकी गरीबी का, तो ये बिंब है। और अब हमको आठवां तत्व खोजना है, संक्षिप्तता, बड़ी बात को चंद शब्दों में कह देना। तो हम देखते हैं एक जनता का दुख एक, हवा में उड़ती पताकाएं अनेक। अब इसमें कहा गया कि देखिए जनता सब एक ही है, इसलिए उसका दुख भी एक ही है, किसी का भिन्न नहीं है। जो दुख एक भोग रहा है वही दुख दूसरा भोग रहा है, तो ये उसकी एक ही जनता का, सारी जनता एक है, वह भिन्न भिन्न नहीं है, उनके दुख भी एक हैं। हवा में उड़ती पताकाएं अनेक, हवा में बहुत से झंडे उड़ रहे हैं। झंडे क्या हैं? झंडे हैं बहुत सारे राजनीतिक दल, विचार, जो जनता की करुणा को, उनके दुखों को, उनकी पीड़ा को दूर करने की बातें करते हैं, और तरह तरह से जो है वो बताते हैं कि हम ऐसा करेंगे। तो वो राजनीतिक दलों के जो ध्वज हैं वो हवा में मौजूद हैं, दिखाई दे रहे हैं, उड़ रहे हैं, उनकी बातें हम सुन रहे हैं, लेकिन जनता का दुख दर्द दूर नहीं हो रहा है। अब आते हैं हम नौवां, विभिन्न अर्थ स्तर, एक ही बात के कई अर्थ निकलना, वो हम यहां पंक्ति खोजेंगे। तो वह है हवा में उड़ती पताकाएं अनेक। अब इसमें एक तरफ तो यह है कि हवा में झंडे उड़ रहे हैं, लेकिन इसका एक और अर्थ स्तर है कि बहुत से राजनीतिक दल लोकतंत्र में ऐसी घोषणाएं करते हैं जो जनता के हित की हों, और उसके बावजूद भी जनता के दुख और कष्ट कम नहीं होते। तो यह था सृजनात्मक लेखन अध्याय से कविता पर आधारित प्रश्नोत्तरों वाला एपिसोड। हमारा आपसे आग्रह है, कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों को बताइए और वो भी इसे सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।